दोस्तों आज संडे वक्त होता है हैशटैग आस्क राजा का, तो जो भी सवाल करते हैं 1 वीक में उसका देता हूं जवाब। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, मज़ा आएगा वीडियो देखने में। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फैज़ भाई का सवाल है, भाई मेरे में मैंने न्यू रियलमी 12 प्रो प्लस अभी लिया है, अपडेट किया है, 2 GB का आया है, उसके बाद अपडेट न करूँ कि नहीं करूँ, सजेस्ट मी, बैटरी ड्रेन तो नहीं होगा? देखिए, अगर आपका कैमरा बेस्ट चल रहा है तो आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपडेट के बाद कैमरा ख़राब हो रहा है, या फिर हमारा वीडियो देखिएगा जब आएगा तो उसके बाद अपडेट करिएगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्हीं का है, इनका सवाल है, भाई बहुत सुंदर, आप ये कंटिन्यू किया करिए, क्वेश्चन आंसर वाला सब्सक्राइबर आपको मिलेगा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और ये कंटिन्यू रहेगा, हम काफ़ी दिनों से बना रहे हैं और इसको हम कंटिन्यू रखें, चाहे हमें हमारे पास सब्सक्राइबर आए नहीं आए, लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन जाना नेक्स्ट चाहिए। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सरफराज हसन का सवाल है, भाई रियलमी 12 प्रो प्लस है 12256, उसमें अपडेट आया है लेकिन कुछ लोग बैटरी अपडेट करे हैं तो कैमरा ख़राब हो गया है। बात सही है, क्योंकि नया अपडेट के बाद कैमरा ख़राब हो रहा है बहुत लोगों का, तो आप थोड़ा सा इससे बचिए और हमारा वीडियो देखते रहिए, हम बताएंगे आपको कि अपडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बाद अपडेट करिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सूजा शरीफ का सवाल है, मक्का मदीना एक बार जाने की इच्छा होती है, हर मुसलमान को एक बार मक्का मदीना जाने की इच्छा होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ से होके आ चुके हैं। वाकई में एक अलग ही चीज़ है जिसको हम बयां नहीं कर सकते, तो मैं दुआ करूंगा कि जो भी मुसलमान हैं, जो भी जाना चाहते हैं, वो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सूजा शरीफ ऑफिशियल का सवाल है, भाई मेरे में रियलमी 12 प्रो प्लस में चार्जिंग तो फास्ट दिख रहा है लेकिन स्लो चार्ज हो रहा है। देखिए, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, तो उसको बंद करके फ़ोन को चार्ज में लगाइए, आपको ये प्रॉब्लम। सर चार्जिंग का सवाल है, मरने के बाद या मरने के पहले, पता नहीं इन्होंने क्या पूछा, लेकिन मरने के बाद, मरने के पहले तो हम लोग जिंदा ही है। नेक्स्ट है, तो संदीप का सवाल है, मेरा क्वेश्चन कहाँ गया? आपका क्वेश्चन जो है पता नहीं कहाँ गया, लेकिन आपने क्या क्वेश्चन पूछा था कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है खालिसी इमरान का सवाल है, टेक बॉस हाउ टू बैक टू नॉर्मल ब्रो? देखिए, अगर 120 हर्ट्स वाला में प्रॉब्लम हो रहा है तो सेटिंग को प्रेस एंड होल्ड करके रखिए, ऐप इन्फो में जाइए और अनइंस्टॉल अपडेट कर दीजिए, आपका ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब्बास का, इनका सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ में याद रखिए, दुआ में याद। देखिए, हर मुसलमान के लिए हम दुआ किया, और मेरे तो जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो मुझे जान रहे हैं, तो उनके लिए मैंने दुआ किया है कि आप लोगों की सारी ज़रूरी जो एकदम जायज। नेक्स्ट क्वेश्चन मुन्ना रॉय का, इनका सवाल है, दुआ करना हमको भी अल्लाह और अल्लाह के हबीब वहाँ पे बुला ले। ज़रूर भाई, आप और आपके घर वाले ज़रूर एक बार मक्का मदीना विज़िट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यस जी का, इनका सवाल है, प्लीज़ कंपेयर वीवो T3 Pro और रियलमी 12 प्रो प्लस कैमरा। बहुत जल्दी हम इसका कंपेयर वगैरह लेकर आएंगे, क्योंकि T3 Pro एक मेरा दोस्त जान पहचान लेने वाले हैं, वो जैसे ही लेते हैं तो हम इसका कंपेयर वीडियो आपको ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन विवेक कुमार का, इनका सवाल है, रियलमी 13 Pro Plus 90 FPS पे गेम कैसे करें? इसके लिए तिगड़म लगाना होगा, हमने एक वीडियो बनाया है रियलमी 12 प्रो प्लस और रियलमी 10 प्रो प्लस में किस तरह से किए हैं, वो वीडियो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मौजूद है, या फिर हम कमेंट में आपको दे देंगे, तो उसके बाद आप। नेक्स्ट क्वेश्चन समीर जी का, इनका सवाल है, भाई रियलमी 12 प्रो प्लस में कैमरा का फरवरी का वर्जन मिलेगा क्या, APK वाला? 100% मिलेगा, आप टेलीग्राम में आइए, वहाँ पर हम आपको ये जो वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन गेमर का, इनका सवाल है, भाई ना सेटिंग में कुछ टैब हो रहा है, ना कुछ ओपन हो रहा है, ऐप इन्फो ओपन हो रहा है, सॉल्यूशन दो, ऐप इन्फो ओपन हो रहा है तो अनइंस्टॉल अपडेट कर दीजिए, ऊपर 3 डॉट दिखेगा उसको ओपन करिए, वहाँ पर अनइंस्टॉल अपडेट रहेगा वो करिए, या फिर क्लियर डेटा स्टोरेज जो है उसको क्लियर करिए, आपका ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन गेमर जोड़ी का, इनका सवाल है, हाउ अनइंस्टॉल दिस? जैसे मैंने बताया, सेटिंग को प्रेस एंड होल्ड करके रखिए, ऐप इन्फो में जाइए, अनइंस्टॉल अपडेट कर दीजिए, आपका ये प्रॉब्लम। रंजन लखन का है, इनका सवाल है, रियलमी 12 प्रो प्लस किसी को चाहिए? 15,000 में सेल कर रहा हूँ। लगन जी को अगर कोई कमेंट करना चाहता तो कर दीजिए, 15,000 में बेच रहे हैं, जाइए बाय कर लीजिए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्राफ्टन इंडिया का, इनका सवाल है, रियलमी GT 7T कब आएगा इंडिया में? सर देखिए, ये जो है जनवरी के मंथ में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी GT 7 New आने वाला है, नेक्स्ट मंथ लॉन्च होगा चाइना में, 2 तारीख को आई थिंक लॉन्च हो रहा है, 2 दिसंबर को, तो उसके बाद इंडिया में वही रियलमी GT 7 बन के इंडिया में लॉन्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विवेक कुमार का, इनका सवाल है, भाई रियलमी 13 Pro Plus में 6.0 अपडेट में 90 FPS गेम में आएगा क्या? नहीं आएगा भाई, 90 FPS गेम के लिए प्रोसेसर उतना कैपेबल नहीं है,
किस में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पीके डांस फनी गेन का सवाल है, 601 वाला कोई प्लान नहीं है। 601 वाला प्लान नहीं है भाई, वो वाउचर है, 12 वाउचर आपको मिलेगा जिसको आप एक साल तक यूज कर सकते हैं जियो में, उनके ऐप स्टोर में, उनके ऐप स्टोर में जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है RXTXN का सवाल है, रियलमी 12 प्रो प्लस में 5.0 अपडेट करूँ, कैमरा ख़राब तो नहीं होगा? अपडेट आया है और नया फ़ोन है तो मत करिए अपडेट, कैमरा ख़राब हो जाएगा। और अगर पहले से अपडेट कर रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इस अपडेट के बाद कैमरा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आरएम टेक्निक का सवाल है, बोट का प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है, चाहे इनका स्मार्ट वॉच है या फिर इनका हेडफोन हो, दोनों ही बेकार लगता है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो संजय गेमर का सवाल है, रियलमी GT न्यू 7 में 7000 mAh की बैटरी होगी? 100% आप सही है, 7000 mAh की बैटरी। संजय गेमर का दूसरा भी सवाल है, आईकू न्यू 10 में क्या 6100 mAh की बैटरी होगी? आपने सही कहा, क्योंकि लीक्स के हिसाब से 6100 mAh की बैटरी इसमें देखने को मिल रही है। कृति का सवाल है, हेलो ब्रो, आई हैव CP प्लस कैमरा C21 वाईफाई, बहुत ही बेस्ट कैमरा, जबरदस्त कैमरा, और सस्ता में इससे बेस्ट कैमरा नहीं हो सकता है, बैंड दिस कैमरा प्लीज टेल मी। देखिए, अगर आप ऐसे रूफ में लगाए हैं ना तो उसमें एक ऑप्शन है, मेरा पूरा वीडियो इसमें किया हुआ, वो वीडियो देखिए आपको पता चल जाएगा, वहाँ पर ऑप्शन है सेटिंग में जाके रूफ टॉप करके, उसको क्लिक करेंगे तो वो बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन सैलेश जी का सवाल है, भाई रियलमी 12 प्रो प्लस एंड्रॉइड 15 कब मिलेगा? जनवरी में हमें इस फोन में अपडेट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आदर्श जी का इनका सवाल है, ओप्पो F21S प्रो में 5G में एंड्रॉइड 15 मिलेगा? 100% मिलेगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जो लिस्ट आया है लिस्ट के हिसाब से ये फोन उस लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विराट कोहली का इनका सवाल है, भाई तू रियलमी 12 प्रो प्लस का वीडियो कब तक अपलोड करेगा? देखिए, कौन सा वीडियो आपको चाहिए आप क्लियर कर दीजिए, हम उस पर वीडियो बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसम सैफ का इनका सवाल है, भाई प्लीज रियलमी 12 प्रो प्लस का न्यू अपडेट पर वीडियो बनाओ। न्यू अपडेट आने दीजिए, मेरे फोन में अभी अपडेट नहीं आया, जैसे आएगा हम अपना मतलब वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन सलीम जी का इनका सवाल है, भाई रियलमी 12 प्रो प्लस में नेटवर्क इशू क्यों हो रहा है, बीच बीच में नेटवर्क 4G हो जाता है? देखिए, अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले आप क्या करिए, फ़ोन का जो नेटवर्क है उसको रीसेट करिए, सेटिंग में जाइए, रीसेट नेटवर्क वहाँ पर सर्च करिए, जो आएगा नेटवर्क को, फ़ोन का जो नेटवर्क है उसको रीसेट करिए, फ़ोन को रीस्टार्ट करिए, आपका ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन सैलेश जी का इनका सवाल है, भाई रियलमी 12 प्रो प्लस में एंड्रॉइड 15 कब आएगा? जैसे मैंने बोला कि जनवरी तक आएगा। तो यही था संडे, यही था Q&A, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।